मॉडल मुश्तरका मुफादात काउंसिल, इख्तियारात की जमहूरी मुंतकिली पर बहस मुबाहिसा। हैंस साइडल फाउंडेशन पाकिस्तान की इख्तियारात की जमहूरी मुंतकिली पर एक मुनफरिद मॉडल सरगर्मी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल चारों सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत और इंतजामी यूनिट्स की यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्मों के लिए शुरू की है। इस सरगर्मी का मकसद तालिब इल्मों की अहम मुल्की मामलात में शमूलियत है। इस प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान भर से तालिब इल्म एक दूसरे के साथ नेटवर्क बनाते हैं। अहम कौमी मामलात जो कि आईनी इदारा मुश्तरका मुफादात काउंसिल के दायरा कार में आते हैं, बहस मुबाहिसा करते हैं और अपने अछूते ख्यालात सामने लाते हैं। पाकिस्तान के सूबों और इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म दूसरों की सकाफत और सोच के अंदर मसाइल के हल के हवाले से ख्यालात और तजावीज सुनते, परखते और फैसला करते हैं। इस सारे अमल का मकसद पाकिस्तानी तनों और हफ्तरंगी से इत्तेहाद की तश्कील और तामीर होती है। इस सरगर्मी में तालिब इल्म बाहम मुकालमे और डायलॉग का हुनर भी सीख सकते हैं। मुश्तरका मुफादात काउंसिल आईने पाकिस्तान के तहत कायम करता इदारा है जो वफाक और सूबों के माबैन कानून साजी की फहरिस्त के हिस्सा दोम के अमूर पॉलिसी साजी और कानून साजी की निगरानी करते हैं। आईन के आर्टिकल 153 के तहत वजीर आजम पाकिस्तान काउंसिल के चेयरमैन और चारों सूबों के वजराए आला इसके मेंबर होते हैं। वफाक और सूबों में तवाजुन की खातिर वफाक की जानिब से 3 वफाकी वजरा भी इसके मेंबर होते हैं। वफाकी वजारत बैनुल अक्वामी राब्ता काउंसिल के सेक्रेटेरियट के तौर पर काम कर रही है। इस फॉर्म पर वफाक और सूबों के माबैन मुश्तरका हिकमत अमली और लाए अमल बनाया जाता है। आपस के तनाजों को सुलझाया जाता है। काउंसिल अपनी सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असेंबली ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश करती है। इस सरगर्मी के जरिए मुंतखब तालिब इल्मों को असल काउंसिल के अंदाज में काम करने की तरबियत दी जाती है और फिर वो इस काम से ममासलत अपनाते हुए सियासी और अहम कौमी अमूर पर बहस मुबाहिसा करते हैं, अपना नुक्ता नजर बनाने और इसकी वकालत के लिए डायलॉग के हुनर का मुजाहिरा करते हैं। इस सरगर्मी में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के सोशल साइंसेज के तालिब इल्म शरीक होते हैं। पहले मरहले में तालिब इल्मों को सलाहियतों की नुमाइंदगी के लिए चुना जाता है। इस हवाले से ये लाजमी नहीं कि तालिब इल्म अपने ही सूबे की नुमाइंदगी करें। फिर तालिब इल्म अपने वफद के लिए पॉलिसी बयान करते हैं। इस अमल में इन्हें किसी भी मौजू पर सूबों और वफाक के नुक्ते नजर से आगाही हासिल होती है। फिर मुकालमे और डायलॉग का अमल शुरू होता है जो बातचीत के जरिए फैसला साजी की तरबियत भी है। अपनी बात मनवाने के लिए हिकमत अमली भी बनाई जाती है। इस तरह मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मॉडल सरगर्मी कौमी इत्तफाक की राय हासिल करने का हुनर सिखाती है, मसाइल पर सोच विचार करके हल तजवीज करने की सलाहियत को उभारती है। तालिब इल्मों की कारकर्दगी असातज़ा, स्कॉलर्स और सिविल सोसाइटी के सरबरा लोग और सियासत से ताल्लुक रखने वाले जज परखते हैं। फाइनल राउंड के 2 बेहतरीन तालिब इल्म जिनके पॉइंट्स ज्यादा हों उनको यूरोपीय ममालिक में किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भेजा जाएगा और फाइनल राउंड के बेहतरीन टीम को इस्लामाबाद का मुतालियाती दौरा कराया जाएगा जहां वो हुकूमत के सीनियर लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट।